बात करते हैं जबलपुर की, जहां पुलिस ने घर में दबिश देकर अंबाह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है, जो चुनाव में वोटों के बदले बांटी जा रही थी। मधुराज तोमर की पत्नी पार्षद पद का चुनाव लड़ रही हैं। पुलिस ने शराब के साथ पूर्व नपाध्यक्ष को भी पकड़ा है, FIR दर्ज की। फिर भाजपा प्रत्याशी के पति को भी पुलिस ने थाने में बैठा लिया है। दरअसल अंबाह नगर पालिका के पार्षदों के लिए बुधवार को मतदान होना है। इस मतदान से पहले मंगलवार की शाम पुलिस ने अंबाह में फ्लैग मार्च निकाला था। फ्लैग मार्च के दौरान ही SP को सूचना मिली थी कि 12 से 15 अद्यतन अपराधी अंबाह में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदमाशों के नाम पते लेकर पुलिस टीम दबिश दे ही रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर के घर में शराब रखी है, जो वोटरों को बांटी जा रही है। मधुराज तोमर की पत्नी मंजू तोमर वार्ड 4 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी हैं। इसी चुनाव में यह शराब बट रही थी। SP बागरी ने पुलिस को दबिश देकर मधुराज के सदर बाजार स्थित घर से 11 पेटी देसी, 1 पेटी ब्लेंडर प्राइड, 5 बोतल मेक डबल, 25 क्वार्टर डॉक्टर स्पेशल शराब यानी 113 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। तलाशी के दौरान पुलिस को मधुराज तोमर के घर से 12 बोर बंदूक के करीब 15 से 20 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने मधुराज तोमर को पकड़ा और उसके घर से मिली अवैध शराब को बोरों में भरकर थाने लाया गया है। एडिशनल SP डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने बताया कि मधुराज के खिलाफ आबकारी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके कुछ देर बाद ही मधुराज की पत्नी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही पार्षद प्रत्याशी के पति गिरिराज तिवारी को भी पुलिस ने अंबाह थाने में बैठा दिया है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन और संदेहियों को अंबाह पुलिस ने पकड़ लिया है। मेरे को बताया गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में इसमें गेस्ट आते हैं।